हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बात करते हैं पार्ट टू की, जो BHU का जो पेपर है उसके बारे में। पार्ट वन में अपन ने 35 क्वेश्चन किए थे, पार्ट टू के अंदर आगे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम आगे ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट वन के अंदर हमने 35 क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट। डायबिटीज इंसिपिडस इज ए डेफिशिएंसी ऑफ विच हॉर्मोन? ए एट्रियल न्यूट्री यूरेटिक पेप्टाइड, दो वैसोप्रेसिन, थ्री एल्डोस्टेरोन, फोर इंसुलिन। राइट आंसर इज टू, वैसोप्रेसिन। एजेंसी विच हैज़ बीन सपोर्टिंग द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया इज, वन IRCS, टू SIDA, थ्री DANIDA एंड फोर यूनिसेफ। राइट आंसर इज थ्री, DANIDA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी प्रिवेंशन? वन पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, टू विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, थ्री ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर, फोर आइसोनियाजाइड, टू ए बेबी ब्रेस्ट फीड बाई स्पूटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलर मदर। सॉरी, इसमें राइट आंसर है थ्री, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर। द कोरोनरी केयर यूनिट नर्स ड्रॉ एन एट्रियल ब्लड सैंपल टू असेस ए क्लाइंट फॉर एसिडोसिस। ए नॉर्मल pH फॉर एट्रियल ब्लड इज 1.7, 2 7.42, 3 7.30, 4 7.50। राइट आंसर इज 2, 7.42। नेक्स्ट, फॉलोइंग सर्जरी फॉर रिपेयर ऑफ एन इंग्वाइनल हर्निया द नर्स एस्टाब्लिश ए पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूड इनटेक गोल फॉर द क्लाइंट। द मोस्ट अप्रोप्रिएट अमाउंट वुड बी 1 500 टू 700 ml पर डे, टू 1000 टू 1.5 लीटर पर डे। नेक्स्ट, 2000 टू 3000 ml पर डे, फोर 3000 टू 3.5 लीटर पर डे। राइट आंसर इज थ्री, 2 to 3 लीटर पर डे, या 2000 से 3000 ml पर डे। द नर्स इज इन्फ्यूजिंग द डायलिसिस फ्लूड ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, ए नर्सिंग एक्शन टू मेक द क्लाइंट मोर कंफर्टेबल एट दिस टाइम इज टू, वन इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लो, टू राइज द हेड ऑफ द बेड, थ्री टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड, फोर रेफ्रिजरेट द फ्लूड प्रायर टू इन्फ्यूजन। राइट आंसर इज थ्री, टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड। डोज ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन इज 2 lakh इंटरनेशनल यूनिट इज राइट आंसर। एवल्स टीथ शुड बी प्लेस्ड इन ए नॉर्मल सेलाइन, बी कोल्ड वाटर, सी मिल्क एंड डी वार्म वाटर। राइट आंसर इज थ्री, मिल्क। हाउ मैनी बोन मेक्स अप ए न्यू बोर्न स्कल? 1 8, 2 4, 3 6, 4 5। राइट आंसर इज फोर, 5 स्कल बोन। यू आर केयरिंग फॉर ए नियोनेट हु हैज ए क्लेफ्ट पैलेट, यू शुड इन्फॉर्म द मदर डैट सर्जिकल करेक्शन विल बी डन when the infant is 1 8 to 12 month of age, 2 20 to 24 month of age, 3 16 to 20 month of age, 4 12 to 16 month of age. Right answer is 1, 8 to 12 month of age. Indian Nursing Council was established in the year 1 1848, 2 1953, 3 1923, 4 1947. Right answer is
1947 ए क्लिनिकल सिचुएशन इन विच द इंक्रीज रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोएटिन वुड बी एक्सपेक्टेड इज वन हाइपोक्सीमिया, टू हाइपोटेंशन, थ्री हाइपरकैलेमिया, फोर फ्लूड ओवरलोड. राइट आंसर इज वन हाइपोक्सीमिया. नेक्स्ट, ए प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द केयर ऑफ ए टर्मिनली इल पेशेंट डायग्नोस्ड विद मेटास्टेटिक कैंसर इज वन मेंटेनिंग बॉल फंक्शन, टू एलिवेटिंग एंड रिलीविंग पेन, थ्री प्रीवेंटिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट, फोर मैनेजिंग कीमोथेरेपी. राइट आंसर इज टू एलिवेटिंग एंड रिलीविंग पेन. ए क्लाइंट विथ सीओपीडी हैज सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया. द नर्सिंग डायग्नोसिस डैट वुड बी इंक्लूड इन द केयर प्लान इज ए फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू ब्लड लॉस, टू इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस, थ्री एक्टिविटी इन टॉलरेंस रिलेटेड टू डिस्पिनिया, फोर रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सप्रेस्ड इम्यून रेस्पॉन्स. राइट आंसर इज टू इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस. नेक्स्ट, ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड एट हाउ मैनी माइक्रो ड्रॉप पर मिनट. वन 10 ड्रॉप पर 10 मिनट, टू 20 ड्रॉप फॉर 10 मिनट, थ्री 25 टू 50 ड्रॉप फॉर 15 मिनट, फोर 120 ड्रॉप फॉर 15 मिनट. राइट आंसर इज थ्री 25 टू 50 ड्रॉप फॉर 15 मिनट. विच ऑफ द फॉलोइंग आईओडीज बिलोंग टू जीपी सेकेंड आईओडीज. वन कॉपर टी 2000, टू लिपी लूप्स, थ्री कॉपर टी 380, ए फोर ML 250. राइट आंसर इज फोर ML 250. जननी सुरक्षा योजना हैज बीन स्टार्टेड एज अंडर वन CSSM, टू NRHM, थ्री MCH एंड फोर ICDS. राइट आंसर इज टू NRHM. व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग एन IM इंजेक्शन टू एन इन्फेंट द नर्स शुड यूज विच साइड. वन डेल्टॉइड, टू डोर्सोग्लूटियल, थ्री वेंट्रोग्लूटियल, फोर वास्टस लैटरलिस. राइट आंसर इज फोर वास्टस लैटरलिस. साइड इफेक्ट ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज वन जर्नलाइज रेसेस, टू आर्टिक एरिया, थ्री लिथार्जी, फोर लो ग्रेड फीवर. राइट आंसर इज टू आर्टिक एरिया. ए क्लाइंट विद ए वेंट्रोपेरिटोनियल विपिसन प्रेजेंट विद साइन एंड सिम्टम ऑफ रेस्टलेसनेस, हेडेक, ब्लड विजन, बॉडी एक एंड वाइड पल्स प्रेशर. द नर्स शुड सस्पेक्ट द चाइल्ड हैज वन ब्रेन ट्यूमर, टू इंक्रीज ICP, थ्री लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फोर स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस. राइट आंसर इज टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर. तो फ्रेंड्स, ये जो आंसर की है ये अकॉर्डिंग टू BHU की है. जो BHU ने आंसर माने वही आंसर बता रहा हूँ मैं. इनके अंदर आपको कुछ डाउट भी हो सकते हैं. नेक्स्ट, रिड्यूस स्पीच प्रोडक्शन इज टर्म्ड एज वन पॉवर्टी ऑफ स्पीच, टू म्यूटिज्म, थ्री पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन, फोर इकोलेलिया. राइट आंसर इज टू म्यूटिज्म. वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडम इज वन इंक्रीज वोमिटिंग, टू डिहाइड्रेशन, थ्री कोर्सकॉफ साइकोसिस, फोर लो ब्लड प्रेशर. राइट आंसर इज थ्री कोर्सकॉफ साइकोसिस. नेक्स्ट, ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन. द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट ब्लड प्रेशर टू बी वन 150/100 mmHg वाइल स्टैंडिंग एंड सिटिंग, टू एलिवेटेड एंड एकम्पनाइज बाई ए हेडेक, थ्री अबोव द बेसलाइन एंड फ्लक्चुएटिंग एट ईच रीडिंग. नेक्स्ट, 30/15 mmHg
अवर द बेस लाइन ऑन टू ओकेजन 6 आवर अपार्ट. राइट आंसर इज 4. 30/15 MMHg अवर द बेस लाइन ऑन टू ओकेजन 6 आवर अपार्ट. Which immunity is affected by HIV infection? 1. Natural immunity. 2. Active immunity. 3. Cellular immunity. 4. Humoral immunity. Right answer is 3. Cellular immunity. Next. MDR, multi-drug resistant. MDR tuberculosis treatment involve all drug except 1. Kanamycin. 2. Pyrazinamide. 3. Rifampicin. 4. Ethambutol. Right answer is 3. Rifampicin. The most appropriate test to assess the prevalence of tuberculosis infection in the community is 1. Sputum examination. 2. Mass miniature radiography. 3. Tuberculin test. 4. Clinical examination. Right answer is 1. Sputum examination. Next, mini mental status examination does not include 1. Cognition. 2. Perception. 3. Insight. And 4. History of psychiatric disorder. Right answer is 4. History of psychiatric disorder. Prophylaxis dose for folic acid in pregnancy is 1. 500 microgram. 2. 1 mg. 3. 2 mg. 4. 4 mg. Right answer is 1. 500 microgram. Sunken fontanel is a sign of 1. Down syndrome. 2. Nephrotic syndrome. 3. Turn sign. And 4. Dehydration. Right answer is 4. Dehydration. Weight of placenta is 1. 50 gram. 2. 200 gram. 3. 450 gram. 4. 500 gram. Right answer is 4. 500 gram. Which of the following drug is used to treat post-operative severing? 1. Ondansetron. 2. Diclofenac sodium. 3. Pethidine. 4. Paracetamol. Right answer is 3. Pethidine. Prostaglandin analogs are used in 1. Induction of labor. 2. Induction of abortion. 3. Management of EPS. 4. All of the above. Right answer is 4. All of the above. Apgar score is a measure of all except 1. Respiratory status. 2. Neurological status. 3. Nephrological status. 4. Circulatory status. Right answer is 3. Nephrological status. Which is most frequently used gas for laparoscopy? 1. Carbon dioxide. 2. Helium. 3. Nitrogen. 4. Oxygen. Right answer is 1. Carbon dioxide. What is to be addressed first in a case of polytrauma? 1. Circulation. B. Blood pressure. 3. Airway. 4. Neurology. Right answer is 3. Airway. तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही. नेक्स्ट अपन बात करेंगे. नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट दो थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर बात करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो नेक्स्ट पार्ट बनाने का मन करता है. अगर आप लाइक नहीं करते हो, क्योंकि मेहनत हम भी करते हैं, इस मेहनत का अगर हमें कुछ ना मिले तो क्या फ़ायदा बनाने का. तो फ्रेंड्स, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ.